अपनी मांगों को लेकर किसानों द्वारा 1 से 10 जून तक की गई हड़ताल के मद्देनजर लुधियाना राहुल रोड पर गांव गौसगढ़ के निकट किसानों द्वारा भारतीय किसान यूनियन लखोवाल के नेतृत्व में सड़क जाम किया गया। इस मौके पर किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ तक कि खेती में खर्च होने वाली लेबर भी उन्हें पूरी नहीं पड़ रही है। उन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने पेट्रोल व डीजल को भी GST के दायरे में लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन शहर के लोगों को दूध व सब्जी खरीदनी है तो गांव में आना होगा। उनकी यह हड़ताल 10 जून तक जारी रहेगी। चक्का जाम कर रहे हैं। अज असि भारतीय किसान यूनियन लखोवाल वालों आल पंजाब आल इंडिया विच जो यह साडिया सब्जिया लुटिया जा रहा, दुध नू पानी तो घट रेट ते साडे को लुट के अगे व्यापारी शहरों में लिजा के वध रेट से बेचते हैं, उसके खिलाफ असं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो असी जिन्ना चिर सानू सारिया फसलों का भाव डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट अनुसार नहीं मिलता उन्ना चिर अभी जदोजहद करांगे। एक जून तो शुरू करके ही 10 जून तक मुकम्मल शहरों के बाइकाट कर रहे हैं। ना सब्जी लेके जावे, ना दुध लेके जावे, हाँ जिसनों लोड़ आ वो साढ़े को पिंड चा के खरीद सकता, असं उन्होंने वाजब भाव से देवे। हूँ साड़ी व्यापारी से सरकार लुट के दो रुपये किलो साड़ी सब्जी ले आ के शहर 15-20 रुपये बेच रहा, दुध साडा 20-22 रुपये लुट के 50-55 रुपये शहर बेच रहा। इस खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सारे किसानों भी अपील आ, वध तो वध सहयोग दो। आप 10 तरीक तक मुकम्मल बंद करके सरकार किसी भी सरकार जगाइए ता जो ये जखीराबाजी करते इन्हों रख पाई जाए। जागती लड़के लिए लुधियाना से सुंदर रोड़ा की रिपोर्ट।